पे मूव ऑन करते हैं। 36 क्वेश्चन टोटल, 45 क्वेश्चन की सीरीज है, तो आई थिंक 36 से पहुंच गए। बहुत जल्दी हम लोगों का ये ख़त्म हो जाएगा, तो हैव सम पेशेंस, हम लोग आज इसको ख़त्म करके ही मानेंगे। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन अगर आप भी देख लोगे पिछले वाले और ये क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन, तो टोटल 45 क्वेश्चंस, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका फिजिक्स का। अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग, देखिए क्वेश्चन एसी सर्किट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, नीट के सिलेबस में बोल्डली लिखा हुआ है, यानी इंपॉर्टेंट है। रीडिंग ऑफ वी वन, ये एक एलसीआर सर्किट में वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। वी वन ये एल के क्रॉस का वोल्ट मीटर है, वी थ्री सी के क्रॉस का है, ये भी 100 वोल्ट रीड कर रहा है, ये भी 100 वोल्ट रीड कर रहा है। वी टू यानी कि आर का बताना है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है। जो एसी सोर्स हमने अप्लाई किया है वो 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज का एक एसी सोर्स हमने अप्लाई किया है एलसीआर सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन पे। इस एलसीआर सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन पे 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज हमने लगाया हुआ है। करते हैं, सबसे पहली चीज आपको ये समझने की है कि ये जो सर्किट है एलसीआर सर्किट, उसमें जब भी हम अमीटर या वोल्ट मीटर लगाते हैं तो अमीटर या वोल्ट मीटर किस चीज की रीडिंग देते हैं? अब ये मत बोलना अमीटर करंट की देते हैं, वोल्ट मीटर वोल्टेज की इतना नहीं पता क्या? अरे हमारे को पता है, बट मैं बोल रहा हूँ कि एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज बदलती रहती है, तो उस वेरिएबल में किस चीज की, क्या उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्या उसकी पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, क्या उसकी एवरेज वैल्यू या उसकी आरएमएस वैल्यू, बताइए कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में चैट करके बताइए। ये जो वोल्ट मीटर लगे हैं ये वोल्टेज की, ऑब्वियसली एल के अक्रॉस वाला वोल्ट मीटर है एल की वोल्टेज की वैल्यू दे रहा है, सी वाला सी की दे रहा है, लेकिन कौन सी, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, पीक या मैक्सिमम या आरएमएस, बोलो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एसी सर्किट में जो वोल्ट मीटर मीटर लगाए जाते हैं वो मूविंग कॉइल नहीं होते, हॉट वायर होते हैं, और वो बताते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, और इसके आरएमएस वैल्यू पूछी जा रही है, और नेट वोल्टेज 200 है। तो एक चीज आपको समझनी है, एलसीआर सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज है उसकी आरएमएस वैल्यू, इंडक्टर के ऊपर जो है वीएल, और कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज आएगा वीसी, उनकी आरएमएस वैल्यू या पीक वैल्यू, उनका फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, वीआर वीएल वीसी, वीआर से वीएल 90 डिग्री पे, वीआर से वीसी 90 डिग्री पे, और आपस में दोनों। तो ये रहा वीआर जो हमें निकालना है, वीएल ये रहा 100 वोल्ट, वीसी ये रहा 100 वोल्ट, आपस में 180 डिग्री का डिफरेंस है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। तो इस सर्किट में नेट वोल्टेज के नाम पे बचा वीआर, और जब नेट वोल्टेज ही वीआर है और नेट वोल्टेज ये भी आरएमएस ही दे रखा है 200, तो यानी कि आर के अक्रॉस जो आरएमएस वैल्यू है वो 200 वोल्ट ही है। तो कोई भी आपको यहाँ पे बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है। वैसे आप चाहो तो ये फॉर्मूला किसी के दिमाग में आ रहा हो तो लगा सकते थे, वी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट वीआर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। वी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। वीएल वीसी की वैल्यू सेम है तो वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर 0, तो वी नेट इज इक्वल टू वी आर, वी आर इज इक्वल टू वी नेट, वी नेट तो मैं पहले से पता था 200 वोल्ट, तो वी आर की वैल्यू 200 वोल्ट आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड।